हेलो बच्चों, ये आज हम करेंगे लेसन 3 का, क्लास 5 में पेज नंबर 46। इसमें आप देख रहे हैं, ये आपकी एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें 12 शेप्स हैं। ठीक है, 12 शेप्स ऐसे हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 शेप्स हैं। इसकी जो लंबाई है वो 10, ये यहाँ तक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 स्क्वायर ऐसे हैं और 6 स्क्वायर आपके ये ऐसे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका एक स्क्वायर्स का रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल वो होता है जिसके में लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस होता है और दोनों आमने सामने वाली सेम होती है, अपोजिट साइड सेम होती है। ठीक है, अब इसको ये ऐसा ही मैंने एक पेज पे बनाया है, ये मैंने मैथ की कॉपी के पेज से ही बना दिया है। दो पेज पेस्ट कर दिए थे और उसके बाद कलर करके उसको काट दिया। आपको ऐसी शेप बना के एक ड्राइंग शीट पे भी बना सकते हैं, चार्ट पेपर, मोटे चार्ट पेपर पे भी बना सकते हैं। और आपको ये सारी जो ये 5 स्क्वायर्स का जो बॉक्स है वो काट लेना है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने काट के रखा हुआ है, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, बिल्कुल सेम आप देख सकते हैं। इसको काटने के बाद आपको इसको अलग अलग कर देना है। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद आपको ये सारे स्क्वायर्स आगे पीछे करके एक नया रेक्टेंगल्स बनाना है। ठीक है, ये अलग अलग हो गए, अब इसको नई शेप देनी है। और क्वेश्चन में लिखा है कि ट्राई टू अरेंज 12 शेप्स इन सम अदर वे, और उससे 10 बाय 6 का रेक्टेंगल बनना चाहिए। क्या आप बना सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, हमारी ये नेक्स्ट शेप बन के तैयार हो गई है। ये मैंने काफ़ी टाइम ट्राई किया तो हो नहीं पाया, तो इसी को अपोजिट साइड में घुमा दिया गया है और इसको बना दिया गया है। आप प्रैक्टिस करके देखना और नई शेप भी आपकी बन जाएगी। ठीक है, थैंक यू।